यूपी के रामपुर में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 60 वर्षीय बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी और उसका उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग ने 10 जून 2019 को एक चेक 36,350 रुपए का था जो बैंक में जमा किया था, जो आज तक पीड़ित बुजुर्ग को पैसे नहीं लौटा रही है। 60 वर्षीय बुजुर्ग 4 महीने से SBI बैंक के चक्कर लगा लगा कर थक चुका है, पर बैंक का मैनेजर अपनी मनमानी पर उतारू है। पीड़ित को अब शब्द से बात कर उसे लगातार धमकी दे रहा है। इस मामले में पीड़ित बुजुर्ग मीडिया के सामने आया और देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जी हां, दरअसल मामला रामपुर कोतवाली बिलासपुर क्षेत्र के SBI बैंक का है। वहीं पीड़ित ने बताया कि रामपुर के बिलासपुर शाखा प्रबंधक विजय सिंह ने जब भी मिलने जाता है तो मुझे काफी अपशब्द बोलता है और मारपीट पर उतारू हो जाता है। अंतिम बार जब मैं मिलने गया था तो बैंक मैनेजर ने मेरे पासबुक मेरे मुंह पर फेंक दी। आज के बाद शाखा में दिखाई मत देना। जब मैंने शिकायत की बात कही तो मुझे कहा कि जो कर सकता है कर ले, तुझे अब पैसा नहीं मिलेगा। वहीं जब इस मामले पर हमारी टीम बैंक गई तो बैंक मैनेजर विजय सिंह ने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। जी हां, आप खुद ही देख लीजिए हमारी टीम ने क्या कैद किया। लगभग 60 साल ये धोखाधड़ी हो रही है। मैंने 36,350 का 10 जून को चेक जमा किया था। उन्होंने मतलब जो है मेरा चेक जमा कर लिया, मैंने एंट्री करा दी। अब जो मैं बैंक के चक्कर लगाता रहा, बोले आ जाएगी पेमेंट आ जाएगी। इनका बैंक जो था वो बंद हो गया मंडी में। उसी दौरान 14 तारीख को ये ADB में मेरा मतलब खाता इन्होंने कर दिया। तो अब मैं ADB में आया तो इन्होंने मतलब जो है बोले भाई गया हुआ है तुम्हारा चेक बरेली। मैं बरेली गया, वहाँ पे उन्होंने देखा जाकर मतलब बोला हाँ आपका पैसा तो जो है आ गया है, मगर जो है पता नहीं चल रहा है कहाँ पे इसमें ही अंदर। अच्छा, ये बैंक के अधिकारी आपको क्यों गुमराह कर रहे हैं, वजह क्या है इसकी? ये साहब मुझे साहब इस बारे में नहीं हुआ कि मतलब क्यों गुमराह कर रहे हैं। मैं जाता हूँ, मुझसे ये कह देते हैं आ जाएगा पैसा। कितने महीनों से चक्कर लगा रहे हैं? मुझे साहब 4 महीने हो गए लगभग। कोई पैसा आपका नहीं लुटाया जा रहा है? नहीं, वो यही कह देते हैं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं तुम्हारा पैसा कहाँ गया। तो आप चेक वापस ले लो उनसे। चेक दे ही नहीं रहे। चेक तो मतलब जो बोले तुम्हारे चेक क्लियर हो गया है पार्टी से। बरेली में गया तो वहाँ भी बोले चेक तुम्हारा क्लियर हो गया है, पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। तो अब तक नहीं आया 4 महीने से? जी अब तक ले साहब जमा किया SBI मंडी ब्रांच में बिलासपुर। साहब मेरे साथ यही मतलब करता है कि हाँ, मैंने कहा साहब मैं इसकी मतलब जो है वो कर दे रहा हूँ FIR। बोले हाँ कर लीजिए आप, मतलब क्या कर लेंगे, हमारा पैसा ही उठाएंगे। मतलब परिवार में साहब मेरे सात लड़की हैं, 5 लड़कियों की शादी हो गई, 2 लड़कियों की शादी बकाया। शादी आने वाली है लड़की की हमारी, वो अभी तय हो गई थी बातचीत, तो अब थोड़े हटो बचो हो गई रिश्ता, तो अब आगे देखो किस टाइम। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि साहब मेरा पेमेंट मिलना चाहिए, मेरा पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं साहब। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।